फारूख अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। मई 2007 में हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में होने वाले बम धमाका केस में गिरफ्तार होने वाले असीमानंद की अदालत ने मशरूत जमानत मंजूर कर दी। वाज़ेह रहे कि 18 मई 2007 में मक्का मस्जिद में होने वाले बम धमाका केस में 9 अफराद जानबहक हुए थे। पहले इस धमाके के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ होने का शक जाहिर किया गया था। मक्का मस्जिद बम धमाके का मुकदमा जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तहकीकाती एजेंसी NIA के सुपुर्द किया गया था तो NIA ने 19 नवंबर 2010 को हरिद्वार से मक्का मस्जिद बम धमाका केस में स्वामी असीमानंद को, जिसका हकीकी नाम नबा कुमार सरकार है, को गिरफ्तार किया था। NIA ने 2011 में असीमानंद का इकबालनामा दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। वाज़ेह रहे कि इस माह के अवायल में NIA स्पेशल कोर्ट ने अजमेर बम धमाका केस में असीमानंद के साथ मजीद 6 मुलजमीन को बाइज्जत बरी कर दिया था और दीगर 3 मुलजमीन को सजा सुनाई थी। फोर्थ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने असीमानंद के अलावा इस मुकदमे में मुलविस एक और मुलजिम मोहनलाल रितेश्वर उर्फ भरत भाई की भी जमानत मंजूर की है। अदालत ने फीकस 50,000 रुपए श्योरिटी के अलावा दोनों को अदालत की बिना इजाजत हैदराबाद के बाहर न जाने की शर्त पर जमानत मंजूर की है। अदालत ने यह भी कहा है कि ट्रायल के दौरान जब भी जरूरत होगी दोनों मुलजमीन को अदालत में हाजिर होना होगा। वाज़ेह रहे कि स्वामी असीमानंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का मेंबर है। असीमानंद को बरोज जुमा हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल से रिहा किया जाएगा। फारूख अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।